सीबीएसई 12th का रिजल्ट का परिणाम घोषित हुआ है। हम इस टाइम मौजूद हैं केएल इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर मानवी ने 99.8% मार्क्स से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। आज हम उनसे ही बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की और किस तरीके से ये टॉप में शामिल हुई। तो क्या नाम है आपका? कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 99.8। मानवी, कितने घंटे आपने पढ़ाई की जिससे आपने टॉप किया है? 6 घंटे। क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स का कितना आपको सपोर्ट रहा? पेरेंट्स तो हमें तो हमेशा सपोर्ट किया है, पूरी फैमिली ने, और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी बहन तो हिस्ट्री की स्टूडेंट है, टॉपर है, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उसने पढ़ाया है। सबसे ज़्यादा किसी का महत्व होता है, किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? बाबा ने किया, मेरे दादाजी हैं, XIIT है, नेक्स्ट चीफ इंजीनियर है, उन्होंने अपने स्ट्रगल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा बताए हैं, मोटिवेट किया है और मतलब ऑप्टिमिस्टिक बना कर रखा है मुझे। तो आई थिंक ही इज़ द वन, ही इज़ द रोल मॉडल। मानवी, आगे क्या बनना चाहेंगी आप? आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, प्रोफेसर बनने का है अभी इसी फील्ड में। तो और मैसेज युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बस यही है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए पढ़ाई का, मतलब मैं भी ले लेती थी कभी कभी, बट अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ मानवी की माताजी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो उनको भी कैसा लग रहा है, कितनी खुशी उनको महसूस हो रही है। क्या नाम है? बहुत खुशी हो रही है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं इसके। वैसे तो ये रेगुलर पढ़ती थी, हमें उम्मीद थी पर इतने अच्छे आएंगे, ये थोड़ा एक दो नंबर का रहता था, कहीं कम का रहना, यही कहती थी कि मार्क्स कोई बात नहीं, जितने आएंगे आ जाएंगे, मेहनत करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ, बचपन से इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया पढ़ाई के मामले, हमेशा खुद ही पढ़ती हूँ। ऐसे ही हमारे साथ मानवी के दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनकी पोती ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, 99.8% मार्क्स आए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी पोती ने जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है? आर्मी के परिणाम को देखकर मुझे बहुत खुशी है कि मेरठ के 3 बच्चों ने टॉप किया है, मानवी उनमें से एक है। ये जो भी बच्चों ने उपलब्धि प्राप्त की है, इस उपलब्धि के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी मौलिक विचारधारा ही जिम्मेदार है और मौलिक विचारधारा। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। ये रिज़ल्ट बेसिकली बच्चों की मेहनत का रिज़ल्ट है और इस साल कोविड टाइम्स में ये रिज़ल्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि टर्म 1 और टर्म 2 दो बार बच्चों की परीक्षाएँ हुई। आमतौर पर हमने देखा है कि हमेशा बोर्ड की एक परीक्षा होती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोविड की वजह से टर्म 1 परीक्षा और टर्म 2 परीक्षा ली गई। सिलेबस को बाइफर्केट किया गया, सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया। जर्मनी न्यूज़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, मेरठ।